अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज परवीन। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है खादी नेचुरल्स के कैस्टर ऑयल के ऊपर। वैसे मैं बहुत सारे ब्रांड के कैस्टर ऑयल यूज कर चुकी हूँ और इस बार मैंने खादी नेचुरल के कैस्टर ऑयल को परचेज किया ताकि मैं इसको भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू देती हूँ तो सबसे पहले उसे मैं ट्राई और टेस्ट करती हूँ, उसके बाद अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ आपके साथ। आप भी इस प्रोडक्ट के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक कम्प्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको। तो पैक के ऊपर क्या कुछ डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ। तो खादी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 100% नेचुरल, मिनरल ऑयल फ्री, सिलिकॉन फ्री, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस फ्री, हेक्सेन फ्री, यानी ये जो है 100% नेचुरल है और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं डाले गए हैं। और ये जो ऑयल है ये कोल्ड प्रेस्ड मैथड से बना हुआ है जिससे इस ऑयल की जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज इट इज़ बनी रहती हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती हैं। इस ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं वो पैक के ऊपर ही मैंशन कर दिए गए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हेल्दी हेयर एंड नरिशिंग स्किन, रिजुविनेट हेयर ग्रोथ, डीप मॉइस्चराइजर, एंटीऑक्सीडेंट, कंटेन्स नो एडिटिव्स और फॉर ऑल हेयर एंड स्किन टाइप्स। बात करें इसकी प्राइस की तो इसका प्राइस है 299 रुपीज और 3 ईयर आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। 250 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट दिख जाएगी और इसे कैसे यूज करना है, इसके बेनिफिट्स भी काफी डिटेल में बताए गए हैं और ये इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है वो भी दिखाया गया है, यस करके, और क्या नहीं डाला गया नो करके वो भी लिखा हुआ है। काफ़ी डिटेल में इन्होंने सारी चीज़ें पीछे मेंशन कर दी हैं। पैक के पीछे आपको उनकी वेबसाइट दिख जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, क्यूआर कोड, सारी कुछ चीज़ें आपको पीछे मिल जाएंगी। और ये जो ब्रांड है ये सिंस 1963 में था, यानी काफ़ी पुराना ब्रांड है ये काफ़ी जेन्युइन और सेफ प्रोडक्ट मुझे लगता है क्योंकि ये डर्माटोलॉजिकली ट्रस्टेड भी है और सारी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी डिटेल में मेंशन करा है पीछे, तो आप जूम कर देख सकते हैं। बात करें इसकी पैकेजिंग तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल में आता है और इस पे आप देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बचा है, कितना यूज कर लिया है। साथ साथ इसके ऊपर फ्लिप टॉप कैप है जो कि काफी टाइट है। अंदर से अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊं तो ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें कोई भी फ्रेग्रेंस या कलर नहीं पड़ा हुआ है और ये काफी थिक है, बिल्कुल ग्लिसरीन की तरह। तो देखा आपने कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा थिक है, लाइक ग्लिसरीन। तो आप इसे अकेला यूज नहीं कर सकते। मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं इसके साथ कोकोनट ऑयल को मिक्स करके बालों में अप्लाई करती हूँ। आप भी इसे अकेला यूज मत करिएगा, आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल इसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। आप 50-50 क्वांटिटी भी लगा सकते हैं या फिर इसे कम और अपने फेवरेट ऑयल को ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे अकेला यूज करते हैं तो अगले दिन जब आप शैम्पू करेंगे तो ये आपके बालों से इजिली निकलेगा नहीं, आप शैम्पू कर करके परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज भी ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप इसे अपने हेयर के साथ साथ अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे आईब्रोज, आईलैशेस, स्किन और बॉडी किसी पार्ट पर भी से यूज कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप वालों को सूट कर जाएगा और इसमें मेंशन भी है कि ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। मैं बताती हूँ कि कंपनी क्या क्लेम करती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो कंपनी इसमें क्लेम करती है कि एनहेंस हेयर ग्रोथ, या आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसे प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है और ये रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये आपकी जो स्किन को जो सन की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ ये आपकी आईब्रोज, आईलैशेस को थिकर करता है और इसमें बताया गया कि ये डीप नरिशमेंट देता है आपके स्किन को, आपके हेयर को। तो जो ये क्लेम करते हैं कि ये आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि जब मेरे बाल झड़ रहे होते हैं तो वो झड़ ही रहे होते हैं, इसके लगाने से कभी भी रुके नहीं है। सेकेंड बोलते हैं कि ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। हेयर ग्रोथ की बात करें तो हेयर ग्रोथ में कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये बात मैं नहीं कहती, ये बात सभी को पता है क्योंकि 7 डे अप्लाई करने के बाद मेरे जहां पर बाल नहीं थे वहां पर बेबी हेयर मुझे दिखने शुरू हो गए। तो हाँ, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इनकी हेयर ग्रोथ रुक गई है या हेयर ग्रोथ होती नहीं है तो वो कैस्टर ऑयल को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि डैंड्रफ पे काम करता है या नहीं, तो क्योंकि मुझे डैंड्रफ नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकती कि ये डैंड्रफ पर वर्क करेगा या नहीं। ये बालों को डीप नरिशमेंट देता है, यानी इसके यूज से आपके बाल काफी अच्छे से नरिश हो जाते हैं और काफी अच्छी सी शाइन आपको अपने बालों पर दिखती है। शाइन होती है वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ, सपोज जैसे मैंने कल इसे अप्लाई किया और आज हेयर वॉश करती हूँ, तो धीरे धीरे जो शाइन है वो खत्म होने लगती है। सेकेंड, ये स्किन पर कैसे वर्क करता है इसके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी तक इसे अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने इसे अपने आईब्रो और आईलैशेस पर यूज किया है तो वहां मुझे थिकनेस यानी बाल जो है थोड़े से ग्रो करते हुए दिखे हैं। अभी तक तो मैंने इसे अपने स्कैल्प और अपने हेयर पर ही यूज किया है और जब भी मैं कभी अपनी स्किन पर ट्राई करूंगी तो एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगी। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स इस ऑयल को लेकर क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं
और अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।